जिंदाबाद, 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 मला एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे कुछ साथियों का कहना है कि क्या क्या मांगे हैं, सारा डिटेल सारे लोगों को पता हो जानी चाहिए। पहले स्थान पर है कि कूच को कहीं और से चलाया जाए, राजघाट से लेकर 80 के बीच में कुरू आना नहीं चाहिए। सामने घाट 80 से लेकर सामने घाट, आप समझिए राजघाट पुल से लेकर उस पुल जो बना है नई वाली, इस पुल दोनों पुल के बीच में क्रूज को चलना हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। पहली मांग ये है। दूसरी है फेरी। हाँ, ये जो फेरी चलाने की बात कर रहे थे कि घाटों से जेटी लगा के अपनी नाव चलाएं। हाँ, 24%। ये जो दूसरा है कि जो फेरी अपनी घाट से चलाना चाह रहे थे उन लोग जो है, उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो वापस जाए। तीसरा है नौका लाइसेंस पुरानी पद्धति पर हम लोग को जारी किया जाए। चौथा है बाढ़ क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद नौका संचालन तत्काल बंद कर दिया जाता है, उस पर प्रतिबंध कभी न लगे। पांचवा है जल पुलिस मैं वाराणसी के मल्ला गोताखोर में भर्ती किया जाए, क्योंकि जल पुलिस में, क्योंकि जो है जल पुलिस में कोई अपना समाज का रहता नहीं है, जो जब कोई डूबता है उसको बचाने का काम समाज करता है, उसमें हम लोग को स्थायी रूप से नियुक्ति दी जाए। छठा है जो है गंगा पार, जो आजकल जिसे समंदर में चलता है ना जहाज, और छोटे छोटे लिया करके चलाते रहते हैं, इनको जो है हम लोग यहाँ से हटाया जाए। उस पार अपने समाज के लोग खेती करते हैं, ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार समाज के लोगों को होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों के ऊपर अभी चलान करके उन्होंने 7,500 रुपया लगाने का कर काम किया, उसको भी वापस दिया जाए। ये हमारी 6 मांगे हैं। जी, जीएसटी का वास्तविक इसका रेट तो 750 रुपया है, और जीएसटी जोड़ के लोग बताते हैं कि इसका 875 रुपया रेट हुआ था, लेकिन जब से हम लोगों ने अपनी नौकाएं बंद की है तब से देखिए किसी भी चीज का कीमत कैसे बढ़ जाता है। अब इनका रेट 2,000 रुपया हो गया, तो 7,500 से 2,000 में चलने लगे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसा रेट है और कैसे गैर सरकारी लोग हैं जो समाज को लूटने का। निश्चित तौर पर हम लोगों का कोई रेट फिक्स नहीं है, और कौन कहता है कि हम सरकार को अपना टैक्स देना नहीं चाहते। हम तो लाइसेंस मांगते हैं, हमको लाइसेंस दे दो, लाइसेंस का जो टैक्स होता है वो हम देने को तैयार हैं, लेकिन लोगों का जो कहना है कि हम लोग का रेट फिक्स नहीं है, तो ये रेट फिक्स हम लोगों ने इसलिए भी नहीं किया है कि अगर बनारस में आने वाले 100% लोग हैं तो उसमें 20% लोग ही बड़े पैसे वाले होते हैं, 80% लोग ऐसे होते हैं जो गरीब हैं, अगर एक रेट बांध दिया गया तो वो 80% लोग के लिए काफी महंगा पड़ेगा और वो लोग हमारे नाव पर घूम भी नहीं पाएंगे। आप उठा के देख सकते हो 750 रुपया जब इसका रेट लगा है, तो अगर हम 200 रुपया रेट लगा देते हैं अपनी नाव का, तो कोई भी यात्री हमारे नाव पर चढ़ने से कतराएगा। अमीरों को तो ये फायदा हो जाएगा, लेकिन हम गरीब लोग नाव में नहीं घूम पाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने रेट फिक्स नहीं किया है। अगर हम 2,000 में जाते हैं तो 200 में भी जाते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उसको 200 में हम लोग घुमाते हैं, भाई जो देने योग्य होता है उसे 2,000 भी लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ सामाजिक लोगों को, हमारे समाज के लोगों से ही ऐसा पूछा जाता है। आप देख लेंगे उठा के एक कुसा पकड़ा के लोगों को दो मंत्र बोल के संकल्प करा देने के बाद वो 21,000 भी ले लेते हैं, तो उनसे कभी कोई पूछने नहीं जाता है। लेकिन अगर हम 2,400-500 ले लेते हैं तो पहले तो अभी तो देखिए कम से कम एक बात तो कमी आई है, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग कभी भी प्रशासनिक लोगों के पास जाते हैं तो वो कहते थे कि आप लोग काम तो बड़ा अच्छा करते हो भाई, लेकिन पैसा हिसाब से लिया करो। लेकिन जब से इसने क्रूज ने यहाँ पर आके अपनी न्यू यहाँ पर डाली है, तब से कम सरकार के लोगों ने ये बात तो कहना छोड़ दिया है कि आप पैसा बहुत ज़्यादा लेते हो, क्योंकि हमारे लोग आप किसी भी समय में भी घाट पे उतर के देख लो, ये पूरी नाव भरने के बाद भी आज के दिन में 2,000 रुपया पर हेड लेता है। अगर हमारे नाव को 2,000 भी मिल जाए तो जितना ये 2,000 में घुमाता है, पूरी नाव हम 2,000 में घुमाने का काम करते हैं, तो आप ये तो 2,000 पर हेड। लाइसेंस एकदम आसान काम है, लाइसेंस हम लोग हमेशा लेते आए थे, इन सरकारों ने शायद इस क्रूज को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों के लाइसेंस को रोका कि हम लोगों को गैर लाइसेंसी बता के हम लोग को शायद यहाँ से खदेड़ने का काम करें, लेकिन हम लोग यहाँ से भागने वाले नहीं है, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी और परंपरागत जगह है और परंपरागत पेशा है, सरकारें कुछ भी कर ले हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है। विकास तो ठीक है, लेकिन विकास के साथ जो लोकल लोगों को रोजी रोटी जुटा हुआ है इस पर भी तो ध्यान देना चाहिए, और इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, पुरखों से पुरुषों से चला आ रहा है इनका रोजी रोटी यही है ना,
इसमें सुधार करते, इसको कुछ बात करते, इसको बढ़ाने की बात होती, ये तो वही बात हुई ईस्ट इंडिया कंपनी वाली कि धीरे धीरे करके ख़त्म करते गए यहाँ के मजदूरों को, यहाँ के मजदूरी को। मजदूर तो यहीं के लेकिन फायदा जो जा रहा है वो कहीं और जाना है। तो इससे नहीं फायदा होगा उनका? किसका? इन लोगों का क्या फायदा होगा बताएंगे? तो इससे फायदा किसको हो रहा है? फायदा तो जा रहा है ज्यादा, एक नाव बनवा लिए रोजी रोटी शुरू हो गए। इतना बड़ा तो नहीं बना सकते ये लोग ना। अब इसके लिए इनको कंपटीशन माने के लिए इनका हैसियत नहीं है, हैसियत होना चाहिए ना, तब इनके कंपटीशन में आएंगे। और जो जुटे हुए आए ना, जो कमाना है वही खाना है, रोज कमाना है रोज खाना है। कोई पूंजी रखा हुआ नहीं हुआ कि उसको बेच के अपना बना लिए। अभी कंपनियाँ पैसा लगा दी, पैसा लगा दे, फायदा आ रहा है एक बार। अच्छा काम ही नहीं करना, काम तो नहीं लोगों करना है। वो बंधुआ मजदूर जिस टाइप के हो गए लोग, भाई आओ हमारे काम करो, पैसा ले जाओ। तो सरकार बिना उनके बारे में सोचे ऐसा कर दी? नहीं, हाँ सोचना तो चाहिए, हमारी इच्छा हमारी समझ से। इन लोग के रोजी रोटी को जोड़ के कुछ विकास की बात होती वहाँ तो ठीक। कुछ लोग बोल रहे हैं जैसे कि इसमें पैसा तो बड़े लोग ही देंगे, उनका क्या जा रहा है? तो पैसा बड़े लोग देंगे लेकिन वो पैसा इनके पास बढ़ना चाहिए ना। जो पैसा यहाँ 100 लोगों के बीच बढ़ता, वो पैसा एक आदमी एक पूंजीपति के पास जा रहा। ये पैसा जो यात्री आते हैं यहाँ पर, नाव में 10 लोग बैठते, 5 लोग बैठते, 2 लोग बैठते, 1 लोग भी लेके जाते हैं कभी कभी, सिंगल भी निकल जाते हैं, वो तो पैसा बढ़ता नहीं लोग के पास, वो सारा पैसा एक साथ इनके जा रहा। ये दैनिक वाला जो है ना, ये हम लोग के खिलाफ ही लिखता है, पता नहीं कितना पुराना साल जो है वो लिख दिया है, क्या नाम है, कितने साल पुराना फोटो ये छाप दिया है। दैनिक वाला जो है एकदम बेकार ही लिखता है। वो क्या लिखा है? लिखा है कि मतलब बगैर लाइसेंस के जो है कि ओवरलोडिंग पे नाव चला रहे हैं। तो ऐसा कोई कहीं बचा ही नहीं है कि जहाँ इस पास उस पार नाव चल रही हो, सारे जगह पुल लग गए हैं। और जिस तरीके से वो फोटो छाप कर दिया है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि इस पास उस पार साइकिल वगैरह लोग लाद कर जब जाते हैं, वही वाला उसमें दिखाया है। क्योंकि 15-16-17 में इतने सारे भीड़ उतरते ही नहीं थे इस पार को, उस पार के लिए भी, क्योंकि सिस्टम इतना तेज हो गया था, लोग के पास टाइमिंग नहीं है, गाड़ी घोड़ा हो गया कि लोग साइकिल से उस पार जाने का कोई मतलब, लोग पुल दूसरे पुल से निकल जाते हैं। और ये फोटो लगभग 2006-07 का है। तो दैनिक वालों को कंप्लेन नहीं करेंगे आप लोग? हम कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? ये लोग तो हम लोग के बारे में कुछ ऐसा छाप ही नहीं रहे हैं कि मतलब जिससे कि लोगों को पता चले, ये उल्टा ही छाप दे रहा है कि क्यों ऐसा करते हैं, ये तो हम नहीं बता सकते। हो सकता है ये लोग मीडिया पैसा बिक गई हो, ये भी हो सकता है। इस साल नवीनीकरण नहीं किया गया, वो जानबूझ के, वही ये सिस्टम है कि हम लोग को गैर लाइसेंसी बता के हम लोगों के ऊपर दबाव बनाए कि तुम्हारे पास है क्या, तुम लोग जब भी क्या करना चाहते हो। पूछ खड़ा है ना, इसकी गलती यही है कि साला चिढ़ाता है। भागेगा, ये जो इनकी सरकार है, जो ये कांच के टेबल पे बैठ के चलाते हैं, तो इनको कांच की खिड़कियां पसंद आती है, इसीलिए ला करके खड़ा करते हैं। और नहीं तो पेपर में एड देते हैं कि करोड़ का नाव है। अबे तुम्हारी औकात नहीं है, करोड़ रुपए तो हमारे नाव से एक एक का सिक्का करके गंगा जी में फेंक दिया गया। तुम दिखाओगे करोड़, हम उस समाज के लिए खड़े हैं जो समाज इस देश के राजा को राम को नदी पार कराता है और कहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। अखबार में गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है, गलत तरीके से प्रेजेंट इस तरीके से किया जा रहा है कि कभी कोई पत्रकार लिख देता है कि ये आंदोलन जो है कांग्रेस के द्वारा चलाया जा रहा है, कभी कोई पत्रकार लिख देता है कि ये आंदोलन सपा के द्वारा चलाया जा रहा है, कभी कोई कुछ लिख देता है कभी कुछ। ये बात शायद वो पत्रकार जानते नहीं है, ये जो सारे नेता परेता घूम के आ रहे हैं, चाहे जिस भी समाज से आ रहे हैं, वो जानते हैं कि समाज की ताकत कितनी बड़ी है और कहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं। ये आंदोलन निषाद समाज का आंदोलन है, किसी
पार्टी का, किसी एजेंडे का और किसी धर्म का ये आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन हमारी रोजी रोटी का है। पे जाना है, कौन से नाव में जाना चाहते हो? ओम इसमें। क्यों वाला अच्छा नहीं, इतना बड़ा है बड़े। बताओ। मगरमच्छ नहीं है, बड़ा आदमी भी बैठ रहे हैं, छोटे आदमी भी बैठ रहे हैं। बच्चे लोग जीत कर देंगे तो गार्जियन तो उतना ही कर नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी है कि नहीं बच्चे जीत कर रहे हैं तो चलो छोटा नाव से, अब उसको नया देख रहे हैं तो लोग उसी पर भाग रहे हैं ना। नया दिखावा दिखाते जा रहे हैं। तो आपको लगता है ये हड़ताल सही है? हड़ताल एकदम बिल्कुल सही है। सरकार नहीं मान रही है बात? कहाँ सरकार मानती, तब तो बेचारा लोग का नाव अब स्टार्ट हो गया होता। सबका पेट है ना, उसी से उन लोग का रोजी रोजगार है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सरकार नहीं सुनेगी तो क्या करना चाहिए? सरकार नहीं सुनेगी तो धरना डालेंगे और क्या करेंगे लोग। धरना भी डालने पर, भूख हड़ताल करने पर, कुछ भी करने से तो कोई सरकार को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। कहाँ सुनती है? अगर सुनती तो कह लिए। गरीब आदमी का काम धंधा नोटबंदी करके देखिए किस पोजीशन पर हम लोग आ गए हैं। पहले क्या करते? पहले हम लोग मजदूरी करते थे। अभी नहीं मिलता मजदूरी? नहीं मिला है तभी तो लेकर बैठा जा रहा है। बच्चे लोग का फीस देना है। कौन चीज में मजदूरी करते थे? यही बिल्डिंग वल्डिंग बनता था। हाँ अभी काम ठप हो गया है। साल भर डेढ़ साल से हम लोग ऐसा भटक रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान का पेट है, हर इंसान का जो रोजी है, जो जिसमें पीढ़ी चलते हुए आ रहा है, उसके लिए बहुत दिक्कत हो रहा है।